हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रूली लीट आई होप आप सब अच्छे होंगे मैं एकदम मस्त हूँ सो आई होप आप सब ने मेरा प्रीवियस वीडियो देख ही लिया होगा पार्ट वन आई विक्रांत का जो मैंने बनाया था एंड uh, मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मैं इस वीडियो को दो पार्ट में बना रही हूँ क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा था एंड घर पर थोड़ा बहुत हल्ला वल्ला होते रहता है जिस वजह से प्रॉपरली मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ <laughs> Uh, so, uh, चलिए देर ना करते हुए सेकेंड पार्ट का मजा लेते हैं चलिए देखते हैं क्या है इस सेकेंड पार्ट में सो गाइस लेट्स द वीडियो

समुद्र में किसी भी तरह का टावर या वायर नहीं बिछे रहते हैं जिससे कि आप बात कर सके वहां सेटेलाइट ही एक चीज होता है तो सेटेलाइट से बात करने के लिए सेटेलाइट इसे शॉर्टकट में कहते हैं मेंटेलाइट कम्युनिकेशन ये बहुत संख्या में यहां देखेंगे आप सेटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर लगाया गया है ये सेटकॉम होते हैं सब जो सेटेलाइट से आराम से कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने एरिया वगैरह को कम्युनिकेशन में कोई खास दिक्कत नहीं आती है सेटकॉम के अलावा इसमें सबसे जो एडवांस लगाया गया एडवांस कंपोजिट कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा नेटवर्क को कंट्रोल करके रखता है ये एंटीना के एक पूरे ग्रुप को कहते हैं इसमें बहुत सारे एंटीना लगे रहते हैं आप यहाँ देखेंगे तो ये लगे लगाए गए हैं ये क्या करता है इस जहाज़ को कम्युनिकेशन करने में यही मदद करता है ये जो आई विक्रांत है ये किसी एयरक्राफ्ट कैसे संपर्क करेगा इसी एंटीना के माध्यम से जो उड़ रहा हुआ ड्रोन है या जहाज़ है या हेलीकॉप्टर है इसके अलावा सबमरीन से कोई पानी के अंदर है तो वो सिग्नल देगी तो यही पकड़ेगा इसके अलावा तट प्रमाण के लिए मुंबई के तट से कोई आदेश आया तो यही पकड़ेगा तो एक तरह से समझिए कि पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम को यही कंट्रोल करके रखता है सेकेंडरी सर्वेलांस रडार को इसके टॉप पर यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ लगाया गया है ये रडार जहाजों के पोजीशन को दिखाता है जैसे हमारे खुद के जहाज मान के चले राफेल वगैरह हैं या मीक ट्वेंटी नाइन के है इनके ऊपर भी रडार लगे होते हैं लेकिन इस रडार की क्षमता ज्यादा नहीं होती है तो ये अगर उड़ते हुए गए इनको रास्ता दिखाना है कि भाई देख तुम्हारे पीछे से दूसरा जहाज आ रहा है तो ये वाला रडार पता कर लेता है कि रे भैया हमारा मीक गया है उसके पीछे पाकिस्तानिया का भी है तो उसको ये वाला रडार तुरंत बता देगा अरे पलट 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 मारे मार मार देगा वहां पर डेक के अंदर जो होते हैं पूरे सेलर वगैरह रहते हैं इनके अंदर जिम प्लेग्राउंड वगैरह सारी चीज़ों का व्यवस्था होता है खाने पीने का आइटम रहता है इनमें छः महीने का सामान को स्टोर कर सकते हैं इसमें रोट ब्रेड बिस्किट ये सब बनाने के लिए बेकरी मशीन होती है हॉस्पिटल होता है सब चीज़ इसके अंदर ये चलता फिरता शहर है इतना ख़तरनाक होता है यहाँ पर पाकिस्तान को टेंशन हो गया इसको लेके उसका कह रहा है कि इतनी फैसिलिटी तो उसके कराची शहर में नहीं है जितना अकेले इसमें इसके ऊपर वाले इस पार्ट को हम लोग कहते हैं एविएशन कॉम्प्लेक्स इसे आईलैंड भी कहते हैं लोग यहाँ पर

इसके ऊपर जो होता है ये वेदर रडार को भी लगाना जरूरी है ताकि इन्हें पहले से चेतावनी मिल जाए कि आगे मौसम खराब है चक्रवात तूफान सुनामी या कोई भी मौसम में गड़बड़ी आएगा तो इनका खुद का वेदर सिस्टम होता है बता देता है महाराज कैप्टन साहब उधर जा रहे हैं टाइटेनिक वाला हाल हो जाएगा गड़बड़ मौसम है उधर ठंडा पड़ रहा है मोड़िए मोड़िए दहीने मोड़िए पहले ही मोड़ देगा नहीं तो जाकर थूर लेगा टाइटेनिक की तरफ अपने सब पैसे डूब जाएगा हम लोग का तो इस तरह से ये सी ट्रायल पे निकला है जितने चीजें बताएं इसका एक साल तक गहन जांच होगा काम कर रहा है कि नहीं अब हम लोग का थर्ड

तीन ठो रहेगा तो एक ठो सर्विसिंग में गया दो ठो रेडी है तो हमें तीन चाहिए एक 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 हिंद महासागर अरब सागर एक बंगाल की खड़ी एक सर्विसिंग के लिए चाहिए और दूसरा हमें बनाने में जाता क्या है वरना यूक्रेन का हाल हो जाएगा दुनिया में सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट मतलब पानी वाली जहाजों को बनाया था यूक्रेन ने जब रूस जो था यूएसएसआर था उन्नीस में जब यूएसएसआर टूटा तो इसके जितने भी वो सीपीआर थे उसको छोड़ दिया गया दुनिया में जितने भी बड़े बड़े रूस ने एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए हैं वो सब के सब यूक्रेन में बने हैं और आज हाल यूक्रेन का ये हो गया है कि यूक्रेन जहाज बनाना भूल गया क्योंकि उसने कुछ आगे सिप बनाए नहीं अब उसको जहाज बनाने के लिए तुर्की से खरीद रहा है तो वही हाल हमारा हो जाएगा अगर हमारे पास कैटापूस टेक्नोलॉजी नहीं है जो जहाज़ों को उड़ा सके तो क्या दिक्कत है भाई साहब हम लोग को हम लोगों ने ऑलरेडी बना रखा है एक एयरक्राफ्ट कैरियर ये विक्रांत विक्रांत हम लोग के पास ऑलरेडी है हमारे पास इसका डिजाइन है नक्शा है हर चीज है अगर हमारे पास थर्ड बनाने के लिए खर्चा आता है तो इसी को कॉपी करके एक और बना दीजिए ज्यादा खर्चा नहीं आएगा ना आपको अलग से इंजीनियर बुलाना है ना डिजाइन बनवाना है ना कोई कटिंग का सांचा अलग बनाना सब कुछ फिट है वहां पर जैसे मान के चलिए हम किसी दर्जी के पास गए कपड़ा सिलवाने के लिए और दो महीना बाद कहें कि यार य कपड़ों वापस ठीक है हो रहा है एक और सिलवा लेते हैं तो हमको मेहनत थोड़ी करना है कपड़ा खरीद के दे देंगे उसके पास नाप ऑलरेडी है तो हमारे पास ऑलरेडी नाप पड़ा हुआ है विक्रांत का एक और बना के दे देंगे तीन ठो हो ही जाएगा यहाँ पर देखिए डर भी जरूरी होता है संख्या बहुत मायने रखती है कोई कहेगा पाकिस्तान के पास कितना एयरक्राफ्ट करिए एक को नहीं चाइना के पास अभी फिलहाल एगो है एगो बन रहा है 2030 तक 10 गो कर लेगा अरे 10 गो कर लेगा और 2030 तक हम लोग मॉडल बनाएंगे तब तक इसी को छाप के रख दीजिए हमारे इंजीनियर क्या खाली बैठे रहेंगे सब 2030 तक और हम तो कहते हैं कि भाई एयरक्राफ्ट करियर में बहुत खर्चा आता है एक जहाज खरीदो उसके ऊपर हेलीकॉप्टर अलग से खरीदो उसके ऊपर मतलब एयरक्राफ्ट लड़ाकू जहाज अलग से खरीदो उससे अच्छा है कि हम लोगों को एक आइलैंड बना लेना चाहिए और आर्टिफिशियल देखिए हमारे पास ऑलरेडी जो है यहां पर हमारा ये अंडमान निकोबार है यहाँ हमारी नेवी ऑलरेडी डिप्लॉइड है यहाँ रडार एयरपोर्ट वगैरह सब है यहाँ लक्षद्वीप में है तो भारत को क्या करना चाहिए कि हम लोग को यहाँ पर एक और से अलग से आइलैंड बना दीजिए एक यहां बना दीजिए ये क्या करेगा ये पूरे एरिया को कंट्रोल कर लेगा ये पूरे एरिया

कोई दिक्कत नहीं है और इस आइलैंड पे कोई झमेला नहीं, नहीं होता है आपको टेंशन फ्री है आपका इतना एरिया आपको देखिएगा तो ये एरिया सेफ हो गया ये एरिया सेफ हो गया और इस आइलैंड को ना इसको दुश्मन के बम गिराने से झमेला है अब भाई जहाज़ पे बम गिराएंगे डूब जाएगी थोड़े गिरेगा जहां बम गिरेगा वहीं कुछ हल्का सा डिस्टर्ब होगा और आप यहां पर पूरा रडार फिट कर लीजिए आर्मी के रहने का जगह बना दीजिए हर चीज बना सकते हैं और इसमें कम खर्चा है और सिंगल इन्वेस्टमेंट है एक बार बनाइए इसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं है जहाज का तो एक्सपायरी डेट हो जाता है वहां पर उसको फ्यूल चाहिए डीजल चाहिए बैटरी चाहिए जनरेटर चाहिए ये चाहिए इसके लिए कोई दिक्कत नहीं उसके लिए साइज मैंने रखता है साइज बड़ा नहीं होना चाहिए इसमें पूरा बनाइए यहाँ पर पूरा हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कम खर्चा में आ जाएगा तो हम तो कहते हैं कि इस साइड आईलैंड से कवर करके इस साइड आईलैंड से दो को यहाँ पे तीन गो लेते ही एगो सर्विसिंग होगा दो छुट्टा साढ़ की तरह

तो विक्रांत की कॉस्टिंग जोड़ दीजिएगा उसके ऊपर के जो जहाज आएंगे उनकी कॉस्टिंग जोड़िएगा उस पर दस हेलीकॉप्टर आएंगे उसकी कॉस्टिंग जोड़िएगा उसके साथ जो पूरा बैटल ग्रुप चलेगा उसका कॉस्टिंग उस उसपे चौसठ बराक मिसाइल जुड़ेंगे उसकी कॉस्टिंग जोड़िएगा तो मोटा मोटी बारह बिलियन डॉलर पड़ेगा और पाकिस्तान के पूरे तीनों सेनाओं को मिला दीजिएगा थल सेना वायुसेना से सेना नौ सबको तो ग्यारह बिलियन डॉलर का बजट है सोच रहे उनके पूरे बजट से ज्यादा हम लोग कई गो जहाज है तभी तो क्या करे सब तो इन्होंने चाइना से चाइनो इनको ठग दिया अरे बैल कहीं का चाइना ने कहा हमने एक मिसाइल बनाया है मिसाइल का नाम है सी एम ये मिसाइल जाके मार देगा विक्रांत को इन गधों को इन्होंने बताया ही नहीं कि इस मिसाइल में गाइडेंस सिस्टम उन्होंने दिया ही नहीं है अब विक्रांत अपना जगह बदल देगा तो ये वहीं जाके गिर जाएगा पूरी तरह से लोल है सा। इनको दे दिया है कितना दिया है साठ गो जबकि इन गधों को कुछ पता ही नहीं है कि अयन विक्रांत जो है चौंसठ गो बराक एट मिसाइल रखता है ये बराक एट मिसाइल इसराइल का बना हुआ इंडिया इसराइल मिल के बनाए हैं सब और आयरन डोम जो इसराइल ने गाजा के रॉकेट को मार देता ना उसका बाप है ये आयरन डोम की तो क्षमता दस किलोमीटर होता है अपना लंगर गिरा के ब्रेक मार ना तो लड़ाकू जहाज दुए को लेकर उड़ सकता है और इसके ऊपर हमारे विक्रांत के ऊपर ऑलरेडी फाइटर जहाज है ये जाके उस जहाज को मार देंगे तो ना हम मार देंगे यहाँ पर उसके अलावे सेवेंटी सिक्स एम एम का कैनल लगा हुआ है तोप से मार के गिराया जा सकता है या फिर हमारे पास एक सिक्स हंड्रेड मशीन गन लगे हुए हैं ये पॉइंट मशीन गन होते हैं इनको रडार से फिट कर दिए ये जिधर देखेंगे निशाना लगाने की जरूरत नहीं रडार से देख के मार देते हैं वहां पर लेकिन ना ये मार के गिरा देंगे हमारे विक्रांत को इन ससुरों को कुछ अते पते नहीं है यार आई होप आप विक्रांत के सारे एवियोनिक्स और रडार सिस्टम को समझ गए होंगे आपकी क्या राय है भारत को केवल एयरक्राफ्ट कैरियर पर डिपेंड रहना चाहिए कि साथ साथ इसके पैरलर आइलैंड पर भी डेवलप करना चाहिए क्योंकि चाइना ने आइलैंड्स को मिलिट्री आइलैंड बना रखा है दुबई ने तो आइलैंड पर पूरा शहर ही बसा रखा है यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के एग्जाम में मेंस में आप देखेंगे साइंस एंड टेक के पोर्शन में एक क्वेश्चन ऐसे जरूर रहते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तो ये अभी करंट का है तो ये अक्सर पूछने की संभावना भी है और बीपीएससी का तो नोटिफिकेशन भी दिसंबर में एग्जाम भी है दरोगा सीडीपीओ बीपीएससी लाइन से सबके एग्जाम है इसके बैचेज भी बहुत जल्दी आने वाले हैं सत्रह अगस्त से क्लास भी खुल जाएगा और बैच जैसे आएंगे तो हम आपको उसका इन्फॉर्मेशन दे देंगे उसके बैच का बातें गाइज ये वीडियो बहुत ही अच्छा था एंड जिस तरीके से हर तरीके का स्पेसिफिकेशन उसके बारे में बताया गया है एन एस विक्रांत के बारे में मुझे बहुत अच्छा लगा एंड ये बात उन्होंने बहुत अच्छा सही कहा है खान सर ने कि आ, सिर्फ एयरक्राफ्ट एंड मिसाइल्स पे ही नहीं इंडिया को आई थिंक आइलैंड्स पे भी वर्क करना चाहिए एंड जिस तरीके से उन्होंने एक स्ट्रक्चर बताया कि uh, और दो दो आइलैंड अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो ज़्यादा सेफ्टी हमारे लिए होता है एंड ये कहीं ना कहीं सही बात है uh, हम 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 समय से कोई नहीं चाहेंगे कि इंडिया के ऊपर वापस से कोई ऐसा कोई अटैक हो uh, क्या ही बोलूँ <laughs> वैसे बहुत अच्छा था जिस तरीके का सिस्टम्स एंड स्पेसिफिकेशंस है आई एन विक्रांत की रडार्स लगा हुआ है एंड ऑल टाइप्स ऑफ कनेक्टिविटी वेदर रिपोर्ट से लेके हर चीज बहुत ही अच्छा है एंड बस और क्या एडिट करके कट कर दीजिएगा यहाँ पे ठीक है <laughs> सो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए एंड आपको ऑरिजिनल वीडियो का लिंक आप सबको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा एंड डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी है सो प्लीज़ 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 मुझे जाके वहां भी फॉलो कर लें मिलते हैं यहाँ सबसे अगले वीडियो में टो दें टेक केयर एंड बाय